तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सब लोग कक्षा 12 की मैथ में मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो प्रतिलोम यानी ए इनवर्स है, उसे दो भागों में दो विधियों से निकाला जा सकता है। एक होता है रो मेथड यानी पंक्ति रूपांतरण, और एक है कॉलम। ठीक है, तो दो मेथड हैं, एक पंक्ति रूपांतरण और जो दूसरी है वो है स्तंभ रूपांतरण। ठीक है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसी के आधार पर हम निकालेंगे चीज़ें। तो हमें जो मैट्रिक्स दिया जाएगा वो ए दिया जाएगा, उसे हम दो रूपों में लिख सकते हैं, ए बराबर आई ए और दूसरा ए बराबर ए आई। ठीक है, यदि ए बराबर आई ए में लिखेंगे तो रो मेथड लगाएंगे, अगर ए बराबर ए आई लिखेंगे तो कॉलम वाली मेथड लगाएंगे। याद रखिए, ए बराबर आई ए लिखा है तो रो, और ए बराबर ए आई लिखा है तो कॉलम। ठीक है, इसमें ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया रहेगा, इस वाले मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी जो हमें दिया जाएगा उसे हम आई के बनाएंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसे आई बनाएंगे, और इसके कारण जो भी ऑपरेशन लगेगा, आई चेंजिंग होगी, ए भी चेंजिंग होगा। ठीक है, ए और आई दोनों में चेंजिंग होगी, तब ये वाला जो है इसे आई बनाएंगे, तो ये वाला ए इधर लेकर के आ करके इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो रूल होता है ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स, या ए आई बराबर लिखा है तो ए होता है, आई आई इनवर्स बहुत जगह लिखा जा सकता है ना। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होता है ना, तो इसका कोई मतलब निल हो जाएगा वेक्टर, वो मतलब मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है 2-3-3, 2-2-2, 3-2-2। ठीक है, हमको ज्ञात करना है ए इनवर्स, वो भी प्रारंभिक संक्रिया विधि से। ठीक है, तो जो कॉलम में संक्रियाएं लिखती हैं वही रो में लगती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रो वाली मेथड सॉल्व करेंगे, ए बराबर आई ए। ठीक है, तो ये वाला ए हमें दिया गया है 2-3-3, 2-2-2, 3-2-2 बराबर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1-0-0, 0-0-0, 1-0 और 0-0-1 ए, ये वाला ए ऐसे लिखा रहने देंगे, यही इनवर्स का काम करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को इसके जैसा लिखना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। तो R1 tends to R1 minus R3। ठीक है, R1 में से हम क्या घटा देंगे, R3 को घटाएंगे, और इस यहीं पर किए दे रहे हैं सेकेंड,
इसमें आर टू में क्या करेंगे, तो आर टू में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर थ्री में अब लगा देंगे संक्रिया। आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस का आर टू, ठीक है, आर टू घटा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो आर वन से आर थ्री को घटाएंगे, आर थ्री ये है घटा देंगे तो बचेगा कितना, माइनस एक, ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का एक, है ना, माइनस माइनस प्लस का तो हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा वन। अब टू 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 ऐसे लिखा रहने दो। अब इस बार क्या करेंगे, आर थ्री से आर टू को घटाएंगे, तीन से दो घटाएंगे एक बचा, ये घटाएंगे तो माइनस का चार हो जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर वन से आर थ्री को घटाएंगे, जीरो में वन में से जीरो घटाएंगे वन, ये जीरो ही रहेगा, जीरो में से वन घटाएंगे माइनस वन, जीरो वन जीरो। अब आर थ्री से आर टू को घटाएंगे, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, और वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। अब आर टू पर संक्रिया लगाएंगे, तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस नहीं करेंगे, प्लस ही रखेंगे, टू आर वन, ठीक है। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दो से गुणा करा करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये माइनस वन वन, और ऐसे ही इसमें भी कर देंगे आर थ्री में भी, दो दो साथ लेकर चलते हैं। तो आर थ्री टेंस टू आर थ्री, आर थ्री में संक्रिया लगा रहे हैं आर थ्री, और प्लस का टू आर वन इसमें भी किए दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, इसे दो से गुणा कराएंगे तो दो इक्कन दो माइनस का इसमें ऐड करेंगे जीरो, दो इक्कन दो माइनस का इसमें ऐड करेंगे जीरो, दो इक्कन दो प्लस का, और दो कितना हो जाएगा चार। इसमें कितने से गुणा कराना, दो से, अब आर थ्री में लगाना है, दो से गुणा कराएंगे फिर आर थ्री में ऐड कर देंगे आर वन को, दो से दो दूनी दो इक्कन दो, ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दो इक्कन दो माइनस का और दो माइनस का छः, यहाँ दो इक्कन दो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा बराबर, कितना हो गया, इसमें वन जीरो माइनस वन ही था। अब क्या हुआ, सेकंड में कितना लगा, दो से गुणा करा करके ऐड करेंगे, दो इक्कन दो में जीरो ऐड करेंगे तो दो, दो जीरो एम जीरो, वन ही रहेगा, दो इक्कन दो माइनस का हो जाएगा दो, इसमें इसमें भी दो से गुणा करा करके इसमें ऐड करेंगे तो दो इक्कन दो हो जाएगा, दो जीरो एम जीरो यानी माइनस वन ही रहेगा, दो इक्कन दो माइनस का जीरो में ऐड हो जाएगा यानी माइनस का दो ही रहेगा। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो आर टू है उसमें चार से भाग कर देंगे, और जो आर थ्री है उसमें कितने से भाग करेंगे, दो से। तो आर टू टेंस टू वन बाई फोर आर टू, और आर थ्री टेंस टू वन बाई टू आर थ्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन वन रहेगा, जीरो जीरो वन हो जाएगा, चार से भाग हुआ है यहाँ पर, यहाँ दो से भाग कराएंगे, दो जीरो जीरो, दो तेई छः, दो इक्का दो। अब बराबर में आर टू में भाग कराना है हमको, वन जीरो माइनस वन, तो जब आर टू में चार से भाग कराएंगे तो चार से भाग होगा, तो चार से भाग कराएंगे तो दो इक्का दो, दो दूनी चार, एक बटा दो बचेगा, ये एक बटा चार ही रहेगा, इसमें चार से भाग कराएंगे माइनस का एक बटा दो, इसमें दो से भाग कराएंगे ये एक, ये माइनस का एक बटा दो, ये माइनस एक ए है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे इसमें से घटाएंगे, तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, ठीक है, और साथ ही साथ नीचे वाले में भी घटाएंगे, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू, ये वन कैंसिल होगा, ये वन कैंसिल,
माइनस वन माइनस वन, वन ही रहेगा। आर वन से घटाना है आर टू को, जीरो घटाएंगे माइनस वन, जीरो घटाएंगे माइनस वन, वन घटाएंगे ऊपर तो फिर जीरो। आर टू में कोई संक्रिया नहीं, ऐसे लिखा रहने देंगे। आर थ्री में संक्रिया है, जीरो घटाना, ऊपर वाला घटाना है, आर टू घटाना है, जीरो ही रहेगा, माइनस थ्री ही रहेगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा जीरो। बराबर कितना हुआ, इसमें घटाएंगे तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचा, एक बटा चार घटाएंगे तो माइनस एक बटा चार, ये माइनस घटाएंगे जब ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस का एक बटा दो बचेगा, एक बटा दो, एक बटा चार, माइनस एक बटा दो। आर थ्री में से आर टू को घटाएंगे, ऊपर वाला घटेगा नीचे से तो आधा बचेगा, ऊपर वाला नीचे से घटेगा तो फिर माइनस का एक बटा दो है, ये माइनस का एक बटा चार, माइनस एक बटा चार, माइनस एक बटा दो, दो से गुणा दो से भाग, चार एलसीएम, दो दून दो एकन दो, और ये माइनस का एक, माइनस का तीन हो जाएगा, माइनस का तीन बटा चार। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आधा एक माइनस का आधा प्लस का, तो माइनस का आधा बचेगा इनटू में, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब आर थ्री में हम एक, आर थ्री में हम माइनस के एक बटा तीन से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का वन, माइनस का वन जीरो, और एक यहाँ पर माइनस से गुणा करा देंगे, आर वन में क्या करेंगे, माइनस का आर वन कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना आएगा जीरो जीरो वन, माइनस तीन से भाग कराएंगे तो जीरो, ये माइनस तीन से भाग होगा एक, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये भी जीरो हो जाएगा। बराबर आर वन में किससे भाग गुणा कराया गया है, माइनस से, तो माइनस का एक बटा दो बचा, माइनस माइनस प्लस का एक बटा चार, प्लस का एक बटा दो, आर टू ऐसे ही रहेगा, और इसमें कितना हो जाएगा, एक बटा दो घटाएं भाग कराएंगे किससे, माइनस के तीन से, तो माइनस का दो त्याई छः, माइनस के तीन से भाग कराएंगे तो प्लस का एक बटा चार बचेगा, माइनस तीन से भाग कराएंगे तो प्लस का तीन बटा दो, तीन बटा दो नहीं बचेगा, ये एक बटा छः बचेगा, इनटू में ए बचा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे हम, इन इसे इसमें से घटाएंगे, तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री कर देंगे, ये घटेगा जीरो हो जाएगा, और इसके बाद हम आर थ्री और आर टू को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये घटेगा सबसे पहले, तो क्या बचा यहाँ पर, वन ही रहेगा, आर थ्री घटेगा तो ये कितना आएगा जीरो, और ये कितना है जीरो। अब इन दोनों को आपस में बदलना है, आर टू और आर थ्री को, तो ये जीरो वन जीरो, और ये जीरो जीरो वन। अब आर थ्री वाला घटाना है तो देखेंगे घटा करके, तो आर थ्री ये देखो ये है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का एक बटा दो, ये माइनस माइनस प्लस का एक बटा छः, हल करेंगे तो तीन से गुणा तीन से भाग कराएंगे तो माइनस का तीन बटा छः, हल करेंगे तो माइनस तीन प्लस का एक बटे छः, यानी कि माइनस का दो बटा छः, दो एकन दो, दो त्याई छः, ठीक है। तो माइनस का एक बटा तीन आएगा, ठीक है। देखो माइनस का दो बचा ऊपर और नीचे छः, दो एकन दो, दो त्याई छः, ये वाला घटेगा ऊपर तो कितना आएगा जीरो हो जाएगा, ये वाला ऊपर घटेगा तो एक बटा दो से घटाना, एक बटा छः यानी तीन से गुणा तीन से भाग कराएंगे, तीन में से एक जाएगा दो बटा छः यानी कि एक बटा तीन। इन दोनों को आपस में बदलना है, तो माइनस का एक बटा छः ऊपर, एक बटा चार ऊपर, एक बटा छः ऊपर, ये नीचे आ जाएगा एक बटा दो, एक बटा चार, माइनस का एक बटा दो, ये ए इधर आएगा, इस पाल लाएंगे तो किस में हो जाएगा इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू है आई की, है ना। और आई ए इनवर्स कितने किसके बराबर होता है, देखो ए इनवर्स आई या आई ए इनवर्स के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई है, एक
माइनस का 1/3 जीरो, 1/3 माइनस का 1/6, 1/4, 1/6, 1/2, 1/4, 1/2 वो भी माइनस का। यही क्या बन जाएगा आंसर। तो ये थे प्रारंभिक रूपांतरण मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान। बस केवल जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसको इन्वर्ट हमको बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनाना है। किसी भी तरीके से बनाओ, आई बनाने से इस वाले आई में जो दिया गया आई इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो ए, इस वाले ए को इधर लाएंगे तो ए इनवर्स का मान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए इनवर्स में निकालना हमको प्रारंभिक रूपांतरण मेथड से। तो ए बराबर आई ए लिखने का मेथड ये है कि हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया गया है हमने बताया था, इस वाले ए का मान हमको पुट करना है, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ए आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो दो जीरो माइनस का एक, पाँच एक जीरो, जीरो एक तीन बराबर आई, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, इस वाले ए को लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम आर टू और आर थ्री में संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, देखो आर टू में संक्रिया लगाएंगे, आर टू में क्या करेंगे, आर वन का दो से गुणा करा देंगे। अगर इससे दो से गुणा करा देंगे और इससे घटाएंगे तो ये पाँच में से चार घट करके एक बचेगा, यानी आर टू माइनस टू आर वन। और आर थ्री में कौन सी संक्रिया लगाएंगे, आर थ्री इसमें किससे गुणा कराएंगे, तीन से गुणा कराएंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, या इसे दो से गुणा कराओ तब इसमें जोड़ो तो दो एक दो, दो से गुणा कराएंगे और जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्यों आर वन, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह, हमको ये वन बन जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है, लास्ट में वन लाना भी है तो ये वन ऐसे ही लिखा रहने देंगे आर वन। ये आर वन है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा। तो क्या करेंगे, दो से इसमें गुणा करा करके इसमें घटाना, दो दूनी चार, घटाएंगे पाँच में से तो एक बचेगा, दो जीरो हम जीरो, एक ही रहेगा, ये दो एकन दो माइनस का था, ये भी ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, दो एकन दो इसमें प्लस का दो। अब क्या करेंगे, आर थ्री में टू आर वन करेंगे। ठीक है, तो उसे गुणा कराएंगे आर वन, तो दो दूनी चार इसमें ऐड हो जाएगा तो चार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो से गुणा कराएंगे तो ये वन ही रहेगा, दो एकन दो माइनस का तीन यहाँ पर आएगा तो फिर घट करके कितना बचेगा, एक बराबर में। इसमें भी वही करना है, दो आर टू, आर टू वन जीरो जीरो लिखा रहने देंगे आर वन, आर टू में इससे दो से गुणा कराओ, दो एक का दो इसमें घटाएंगे तो माइनस का दो, ये वन ही रहेगा, तो जीरो जीरो ये जीरो। नीचे इसमें दो से गुणा करा करके नीचे आर थ्री में ऐड करना है, दो एक कन दो ऐड करेंगे तो दो ही रहेगा, दो जीरो 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 ही रहेगा, दो जीरो जीरो नीचे वन है, वन लिखा रहे, ए बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम ऊपर इस वाले को जो सेकंड है, चलिए आर टू का यूज करके आर थ्री को सॉल्व कर दें। तो आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू करेंगे। ठीक है ना, या एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके तब घटाएंगे, इन दोनों को ऐड करके तब घटाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बाद में चेंज कर लेंगे आपस में। इन दोनों को ऐड करो, आर वन आर टू को ऐड करके आर थ्री से घटाओ, दो और एक तीन, चार में से घट करके, चलिए पहले ऊपर वाला लिख लेते, दो जीरो माइनस एक 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 दो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का सम करना है, दो और एक तीन, चार में से घटेगा बचेगा एक, जीरो में एक ऐड करेंगे तो वन, एक ही रहेगा तो घटाएंगे ये जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बचेगा, दो में से एक घट करके एक बचेगा,
और फिर एक में से हम घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा, ठीक है, बराबर में। अब यहाँ पर 100 माइनस दो टू यानी 10, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस वन बचेगा, घटाएंगे नीचे तो आ जाएगा करके थ्री हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे वन, नीचे घट करके माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे जीरो ही, नीचे वन ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे यहाँ पर और ऊपर घटाएंगे, यानी आर वन में से हम आर थ्री को घटाएंगे, घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस का एक बचेगा, मी प्लस का एक, यहाँ से घट करके ये जीरो बचेगा, घटाना भी तो है। इन दोनों को दो में से घट करके एक बचेगा, नीचे से घटाएंगे तो फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। बस एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें आर वन से आर थ्री को घटाएंगे और आर टू से भी आर थ्री को घटाएंगे, तो बचेगा ये घटेगा वन, ये घटेगा जीरो ही रहेगा, ये घटेगा माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। ये घटाएंगे तो जीरो, ये वन ही रहेगा, ये टू ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 बराबर में, आर वन से आर थ्री को घटाएंगे तो एक में से तीन जाएगा तो माइनस का दो, ये माइनस माइनस था प्लस का वन हो जाएगा, ये माइनस का वन बचेगा। आर टू में से आर थ्री को घटाएंगे, ये घटाएंगे माइनस का फाइव हो जाएगा, ये घटाएंगे माइनस माइनस प्लस का दो हो जाएगा, ये घटाएंगे माइनस का वन, नीचे थ्री माइनस वन वन, और इन टू में ए लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हम, ये इतना तो कंप्लीट हो गया, अब हम इसे दो से गुणा करा करके इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आर टू में लगाएंगे संक्रिया, आर टू टेंस टू आर टू प्लस का इसे दो से गुणा करा करके इसमें ऐड करेंगे, दो से गुणा करा करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको गुणा कराएंगे, वन को, आर वन को, तो दो इक्कन दो हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे दो, दो जीरियम जीरो, ये हमारा कितना रहेगा। इन दोनों को घटा करके, एक बार कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ दो आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तब आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है, तब आर टू को करेंगे। आर वन में से आर थ्री को घटाएंगे तो ये वन में से ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, घटाएंगे तो ये भी कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। 10 माइनस वन, नीचे 100 ही रहेगा, आर टू में संक्रिया लग रही, इन दोनों को घटाएंगे, जीरो में से आर टू में से जोड़ेंगे, कोई वो नहीं रहेगा, इन दोनों को घटाएंगे ये वन ही रहेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो आर वन से जीरो घटाएंगे, मतलब माइनस वन से जीरो घटाएंगे तो माइनस वन, और फिर इसमें क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, वन बचेगा, ठीक है ना, इसमें जुड़ जाएगा, इन दोनों को घटा करके इसमें जोड़ना है, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को आर वन से क्या घटाना, आर थ्री, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे तो कितना, माइनस का फाइव हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का फाइव, माइनस का फाइव माइनस का टेन हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आर वन से आर टू, ये माइनस था, प्लस में हो जाएगा दो, फिर जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा चार। इन दोनों को क्या करना, घटाना है, तो ये वन था, माइनस का वन और आ जाएगा, माइनस का टू, और इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा, ऊपर माइनस टू, वन माइनस वन
थ्री माइनस वन वन इंटू में ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा चलिए यहीं पर लगा देते हैं, आर वन टेंस टू। सबसे पहले आर वन और आर थ्री को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये वन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो वन वन, वन जीरो माइनस वन। ठीक है, और यह माइन ये थ्री हो जाएगा, माइनस वन वन, माइनस टेन फोर, माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस वन ए। ठीक है ना, इन दोनों को इंटरचेंज किया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है, या इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जीरो बनाएंगे। उससे जीरो बनाने के लिए सबसे पहले हम आर वन टेंस टू इसे घटाएंगे, आर वन माइनस आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन करो, ये घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आर टू, जब ये प्रोसेस हो जाएगा पूरा, तब आर टू में क्या करेंगे, ये वाला नीचे वाला आर थ्री घटा देंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ देंगे आर थ्री। ठीक है ना, तो वन जीरो जीरो, अब आर थ्री पहले लिखेंगे फिर आर टू। ठीक है, पहले ये लगाएंगे संक्रिया, ये वाला आर आर वन घटेगा ऊपर से, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ही रहे हो जाएगा, ये माइनस का वन रहेगा। अब आर टू में आर थ्री को ऐड करना है, तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में वन ऐड करेंगे वन, माइनस वन में वन ऐड करेंगे तो जीरो, बराबर में माइनस थ्री, ये प्लस का थ्री है, माइनस वन वन। ठीक है, अब आर थ्री में आर वन को घटाएंगे पहले, ये घटाएंगे इधर तो ये माइनस का पाँच हो जाएगा, ये भी घटाएंगे माइनस माइनस प्लस का दो हो जाएगा, ये घटाएंगे माइनस का दो हो जाएगा। अब इसके बाद आर थ्री और आर टू को आपस में ऐड करना, आर टू में आर थ्री को ये वाला ऐड करना है, माइनस का पंद्रह हो जाएगा, ये वाला ऐड करेंगे तो पाँच हो जाएगा, ये वाला ऐड करेंगे तो माइनस का चार हो जाएगा, और इनटू में ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसे हम माइनस से गुणा करा देंगे, इसको हम किससे गुणा करा देंगे, माइनस से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, ऐसे हम माइनस से गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा जाएगा, ये माइन आर थ्री टेंस टू माइनस का आर थ्री, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो माइनस वन, माइनस वन था प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ए इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, अब थ्री माइनस वन वन, माइनस का फिफ्टीन, फाइव माइनस फोर, माइनस से गुणा कराएंगे इसे तो ये कितना था, ये माइनस का फाइव था, तो प्लस का फाइव हो जाएगा, ये माइनस का टू हो जाएगा, और ये प्लस का टू हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ गया, इन्वर्स में हो गया, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ए इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, ये आई है, आई को ए इन्वर्स के साथ लाएंगे तो आई ए इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स बन जाएगा, और ए इन्वर्स की वैल्यू ये देखो ये आ गई ना। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक गलती हो गई, जो हमने ये वाली संक्रिया यहाँ पर लगाई थी, इसमें ऊपर वाला ऐड कर दिया ना, इसमें ये वाला ऐड करना ऊपर। ठीक है, तो यहाँ माइनस का दस था, देखो आर टू में आर थ्री को ऐड करना है, आर थ्री हमारा ये बना है पहले। ठीक है, दो दो साथ में चल रहे हैं, तो पहले आर थ्री हम इतना लाए हैं, अब इसको ऊपर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर दस था, यहाँ पर माइनस पाँच, ऐड करेंगे माइनस पंद्रह, यहाँ चार था, यहाँ पर दो था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा।
यहाँ माइनस तीन है और यहाँ माइनस का दो है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाँच हो जाएगा। बस यही करना था, ठीक है, ऊपर वाला ऐड कर दिया था। तो ये हमारा जो बना है आंसर, यही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इनवर्स जो है तीन माइनस एक एक, ठीक है, और ये माइनस का पंद्रह, ये छः है, और ये माइनस का पाँच, और ये पाँच माइनस दो दो, यही क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो ये थे ए इनवर्स निकालने की मेथड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, आप सेकंड मेथड से हम आप भी निकालना बताएंगे।